बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो स्किन ग्लो फेशियल के ऊपर है। स्किन ग्लो वाइटनिंग वन स्टेप फेशियल जो है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इसका तरीका इस्तेमाल, कीमत और इसके अलावा इसके फ़ायदे के बारे में जानने के लिए जो रहिए मेरी वीडियो के साथ, और वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना करें। अगर आपने मेरे चैनल बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ लगी बेल आइकन भी दबा दें। नाज़रीन, आप इसकी पैकिंग को देख लेते हैं कि इसकी जो एक डिस्पेंसर है, इसमें 24 पीस का एक बॉक्स आता है और पर पीस जो है वो 30 रुपये इसकी कीमत है। इसके अलावा इसके ऊपर इन्होंने इसके फ़ायदे वगैरह मेंशन किए हुए हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको पैसे भी आगे जाके बता दूंगा कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और किस तरह इसको इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, पैकिंग जो है वो मैंने आपको बता दी कि 24 पीसों पर मुश्तमिल है और ईच पीस जो है वो 30 रुपीज़ का है। इसके अलावा नाज़रीन, स्किन ग्लो वाइटनिंग फेशियल वन स्टेप फेशियल है, यानी कि इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप जो मुख्तलिफ किस्म के फेशियल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्टेप बाई स्टेप 1 2 3 4 5 6 इस्तेमाल करते हैं, उनको की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अंदर सब कुछ शामिल कर दिया गया है, यानी कि ये मुकम्मल फेशियल है, हर चीज़ इसके अंदर शामिल कर दी गई है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें कोई भी फेशियल, तो उसमें डबल एक्शन मसाज क्रीम, ट्रिपल एक्शन मड मास्क वगैरह शामिल हैं, जबकि ये जो स्किन ग्लो का फेशियल है ये वन स्टेप फेशियल है, यानी कि इसके अंदर हर चीज़ जो है इकट्ठे शामिल कर दी गई है। जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। नाज़रीन, इसके अलावा इन्होंने ब्लीच और स्क्रब के साथ मुकम्मल फेशियल है, सिर्फ चंद मिनटों में आपको आपके मतलूबा रिजल्ट जो है वो हासिल हो जाएंगे। इन जस्ट फ्यू मिनट प्योर हर्बल प्रोजेक्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट 22 इन 1, यानी कि उन्होंने इसके अंदर 22 इंग्रेडिएंट्स नेचुरल जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं, जो कि कंपनी वाले क्लेम करते हैं। इसके अलावा और कंपनी वाले क्या क्लेम करते हैं वो देख लेते हैं। नाज़रीन, दौरे जदीद में तेज़ी से गुजरते वक्त के मद्देनज़र स्किन ग्लो माहरीन ने तैयार किया है आपके लिए स्किन ग्लो वाइटनिंग वन स्टेप फेशियल, जो एक स्टेप में आपके मुकम्मल फेशियल के लिए काफ़ी है। यानी अब ब्लीच और फेशियल करने वाली दूसरी क्रीमों की ज़रूरत नहीं, स्किन ग्लो बनाए फेशियल करना अब बहुत ही आसान, वो भी चंद मिनटों में। स्किन ग्लो वाइटनिंग वन स्टेप फेशियल बाज अज्ज़ा पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, ये कंपनी वाले क्लेम करते हैं। नाज़रीन, अगर इसके तरीके इस्तेमाल की बात की जाए तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि इसके इस्तेमाल से आपके, अगर आपको जल्दी है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन वगैरह पे आपने जाना है और आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है तो आप इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप स्टेप बाय स्टेप कोई फीचर इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आपको वक्त और मेहनत की ज़रूरत होती है, यानी कि आपको वक्त भी काफ़ी चाहिए होता है और इसके अलावा आपकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है वो लगती है, अगर आप खुद करना चाहें घर में। अगर आप किसी पार्लर वगैरह पे जाके करवाते हैं तो फिर भी आपको वक्त की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत लगती है, कमो बेश आपको 1 से 1.5 घंटा आसानी के साथ लग जाता है। अगर आप स्किन ग्लो का फेशियल इस्तेमाल करेंगे तो आप ख़ुद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी पार्लर वगैरह में जाकर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आप खुद घर में करना चाहें तो आप बहुत ही आसानी के साथ, जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सिर्फ करना ये है कि थोड़ी सी मकदार जो है अपने चेहरे को गीला करने के बाद इसके ऊपर जो है लगा लेनी है। लगाने के बाद आपने इसको नाज़रीन 10 से 12 मिनट आपने चेहरे के ऊपर इसी तरह लगे रहने देना है। जब ये हल्का हल्का ड्राई हो जाए तो इसके बाद आपने हाथों को गीला करना है और इसके बाद आपने हल्के हाथों से जो है अच्छी तरह इसको मसाज करना है। मसाज करने का पीरियड जो है वो आपने 10 से 15 मिनट करना है, यानी हल्के हाथों से 10 से 15 मिनट आपने मुसलसल जो है इसको मसाज करते जाना है। फेशियल को चेहरे पर लेप करें और 7 मिनट के बाद गीले हाथों का हल्का मसाज 8 से 10 मिनट करने के बाद मुंह को धो लें और पाएँ स्किन ग्लो वाइटनिंग वन स्टेप फेशियल का अनमोल और लाजवाब निखार। नाज़रीन, इस तरह आप जो है हल्के हाथों से इसका मसाज करें 5 से 10 मिनट, अगर आपके पास टाइम है तो 10 से 15 मिनट भी आप इसको मसाज कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है कोई भी फेशियल वाला जो पैड होता है
वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आप इसको साफ़ कर लें और उसके बाद किस ताज़ा पानी के साथ चेहरे को अच्छी तरह वाश कर लें। तो नाज़रीन इसी तरह आपको ये देख सकते हैं कि इस तरह का आपको जो आपके स्किन के ऊपर जो डस्ट वगैरह पड़ी होती है और इसके अलावा जो डेड सेल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाएंगे। तो नाज़रीन इसको आप हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन आप जब भी कोई भी फेशियल इस्तेमाल करें तो देख लें पहले इस्तेमाल करके, अगर आपको सूट करता है तभी आप इसको इस्तेमाल कर लें, वरना आप इसको इस्तेमाल ना करें। और आखिर में नाज़रीन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।